सो इंजीनियर्स, आप लोगों ने सुना होगा कि बिल रुक गया है, बिल आगे नहीं बढ़ रहा है, जो हमारा ऑडिटर है वो बिल पास नहीं कर रहा है। तो ये जो सारी दिक्कतें हैं, ये दिक्कतों का जो एक मेन रीजन है उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो है हिंड्रेंस रजिस्टर। तो ये क्या होता है, साइट के ऊपर इसका क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो हिंड्रेंस रजिस्टर फील करता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब करिए सिविल गुरु जी चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर फजलुर रहमान। इंजीनियर, जैसा आप लोग देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना के लाया है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सिखा सकूं, आज समझा सकूं कि क्या होता है हमारा हिंड्रेंस रजिस्टर। सबसे पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, फिर इसे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ कंपनी का नाम हो जाएगा, यहाँ पे हिंड्रेंस रजिस्टर, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या चल रहा है वो रहेगा, और इसके बाद जैसे आप देख रहे हो सीरियल नंबर, हिंड्रेंस मार्क, डेट, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, डेज टेकन इन इश्यू सॉल्व, इससे थोड़ा आपको आइडिया मिल गया होगा, शेड्यूल डेट और डेज टेकन फॉर हिंड्रेंस कैलकुलेशन। तो ये आप लोगों को दिखा। तो अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बात करता हूं और समझाता हूं। जैसे समझ लीजिए कि आपकी एक साइट है और उस प्रोजेक्ट में समझ लीजिए 10 बिल्डिंग बन रही है उस प्रोजेक्ट में, और उसमें से एक बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है अभी, तो उसका एक हिंड्रेंस रजिस्टर होता है कि उसमें लिखा जाता है कि कौन सा काम कौन सी डेट पर शुरू हुआ और उसे कौन सी डेट पर खत्म हो जाना चाहिए था। जैसे यहां पर है स्टार्ट डेट और फिनिश डेट, यहां पर आप क्या लिखोगे, जैसे आप लोगों का टाइल, जैसे समझ लीजिए कॉलम हाइट इंक्रीज हुई है, कितनी तारीख को इंक्रीज हुई, यहां पे स्टार्ट डेट लिख देंगे आप लोग और यहां पे फिनिश डेट लिख दोगे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि क्लाइंट से आप लोग रेफरेंस में ही ये काम करो। जैसे समझ लीजिए कि आप लोगों के साइट के ऊपर जो है क्लाइंट आया और उसने देखा कि कॉलम की हाइट उसे थोड़ी कम लग रही है, तो वो बोलेगा कि नहीं यार, इसकी हाइट थोड़ी कम है, इसे थोड़ी हाइट बढ़ाना है। मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि आपका रूफ टॉप की हाइट बढ़ाने बोल रहा है, स्लैब लेवल को इंक्रीज करने बोल रहा है। तो अब ये किसकी अनुमति के द्वारा हो रहा है, आपके क्लाइंट की अनुमति के द्वारा या फिर इंचार्ज के द्वारा। तो अब इसमें काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब इसे करने में जो है वो दिन ज्यादा लगेंगे। तो जब आप लोग बिल के लिए डालोगे तो आपको ये पूछा जाएगा कि यार ये काम के लिए इतने दिन क्यों लगे, तो आप लोगों के पास कोई चीज नहीं होगी बताने के लिए कि सर हमें तो बोला गया था कि कॉलम की हाइट बढ़ाओ, लेकिन हमने कहीं लिखा नहीं था उसे, इसलिए हम उनको बता नहीं पाएंगे। लेकिन हमें उन्हें बताना होता है तो हम लोग एक शेड्यूल रखते हैं हमारे पास कि ये काम हमने फिर से किया, तो इसलिए हमें काम जो है वो इतने दिन लगे इस काम को कंप्लीट करने में, हमारे पास एक जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, वो ही रिकॉर्ड रखता है हमारा हिंड्रेंस रजिस्टर। उसी के साथ साथ जैसे क्लाइंट आया हैंडओवर लेने के लिए, उसने टाइल्स का काम दिया था, टाइल्स उसने देखी और टाइल्स उसे पसंद नहीं आई, उसे टाइल्स पसंद नहीं आई, उसने कहा कि नहीं यार ये टाइल्स में मजा नहीं आ रहा है, इसे बदल दो। तो अब बदल तो देंगे आप, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, निकालना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ रही है, बिल बढ़ेगा। जब आप बिल में इंक्लूड करोगे कि हमने टाइल निकाली और फिर दूसरी लगाई, तो ऑडिटर तो यही पूछेगा कि भाई क्यों ऐसा किया आपने, आपको किसने बोला था। तो यहां पर आप लोग एंट्री करोगे कि इस डेट में मुझे ये बोला गया था, इस डेट पे मैंने काम खत्म किया, इतने दिन मुझे वो काम करने में लगे और ये शेड्यूल डेट थी उसकी, और ये उसका कैलकुलेशन, और रिमार्क में लिखोगे आप कि मुझे जो है मेरे क्लाइंट ने कहा था, या क्लाइंट के इंजीनियर ने कहा था, पीएमसी ने कही थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो होती है जो क्लाइंट अपॉइंट करता है या जो उनका इंचार्ज होता है उसने कहा था, और उसका साइन लोगे यहां पे कि साहब आप बोलते रहे हो टाइल चेंज करने के लिए, लेकिन आप मुझे लिखित में दीजिए ये बात। उसके हेल्प से फिर आप लोगों का जो है वो बिल पास होगा कि हाँ यार ये लिखा हुआ है, ये हमारे क्लाइंट ने ही कहा था, तो फिर ऑडिटर जो है बिल को ऑडिट करेगा। अगर आपके पास एंट्री नहीं होती तो क्या होता, आप लोगों का बिल वहां पर रुक जाता और फिर आप क्लाइंट को बोलते कि सर आपने ही तो बोला था कि टाइल चेंज कर दो, ऑडिटर साहब नहीं कर रहे हैं काम हमारा, बिल पास नहीं कर रहे, उन्हें समझाइए, उन्हें बोलिए कि आपने ही कहा था। तो ये पूरा एक साइकिल चलता है, तो इसमें आप ना फंसो, आपने आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी इस प्रोसीजर में ना फंसे, इसलिए हिंड्रेंस रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है, ऐड डैडो इन टॉयलेट, डैडो को ऐड करना था, पहले नहीं कहा गया था आपको ऐड करने, अब आपको कहा गया कि डैडो को ऐड करो, तो ये एक नया टास्क है। अब ये आपके वर्क ऑर्डर में नहीं लिखा होगा, फर्ज करते हैं कि आप लोगों के वर्क ऑर्डर में नहीं लिखा होगा, लेकिन यहां पर तो आ गया, यहां पर तो आ गया, तो आपने बिल में डाला कि यार डैडो भी लगाई है मैंने, लेकिन ऑडिटर कहेगा कि यार ये तो डैडो मैंने कहा ही नहीं था लगाने, ये तो वर्क ऑर्डर में है ही नहीं, किसके बोलने पे लगाया ये,
इसका पैसा मैं क्यों दूं? तो फिर आप दिखाओगे कि ये जो डैडो है ये इतनी तारीख को बोला गया था लगाने, इतनी तारीख को मेरा काम खत्म हुआ, ये सारी चीजें, और ये रिमार्क में लिखा रहेगा कि ये क्लाइंट ने ही कहा था मुझे, और क्लाइंट की वहां साइन रहेगी, या क्लाइंट की इंजीनियर की साइन रहेगी, या पीएमसी के किसी इंजीनियर की साइन रहेगी, तो फिर ऑडिटर उस बिल को आपका पास करेगा। तो इस पूरे प्रोसीजर को हमें पूरा मेंटेन करके रखना होता है हमारे आखिरी बिलिंग के टाइम के लिए, क्योंकि बिलिंग के टाइम पे हिंड्रेंस रजिस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों को यह समझना है कि अगर आप लोगों को अपने कंपनी के पैसे बचाने हैं, उसी के साथ साथ उसे फायदा करवाना है, उसी के साथ साथ नुकसान में नहीं जाने देना है, मतलब ये टोटल चीजें जो है आप लोग अपने कंपनी के पैसे बचाने के लिए ही कर रहे हो। तो अगर आप अपने कंपनी के पैसे बचाते हो तो आप अपने कंपनी के लिए एक अच्छे इंजीनियर होते हो। तो इसलिए ही ये हिंड्रेंस रजिस्टर आप लोगों को मेंटेन करके रखना है। होप करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई, और ऐसे ही बहुत सारे कॉन्टेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।